और खोलें, गोश्त चेक करेंगे गला है क्या नहीं। गल गया है हमारा गोश्त, गल गया बहुत अच्छे से। हाँ देखो तरी भी सब आ गई है इसमें, चम्मच फिर इसको चावल में डालेंगे और कोरमे को। हाँ चावल के हिसाब से आप पानी डालिए। देखो अपनी एक साथ दाल भी कितनी अच्छी गल गई है ना, दाल भी एकदम अच्छे से गल गई। अगर आप चावल के अकॉर्डिंग जितना पानी लगता है आप उतना डाल के इसको पका लीजिए। पानी भी कौन सा डालेंगे, सौंफ धनिया का अपने पास पानी है ना, वही डालेंगे, दूसरा नहीं डालेंगे। पानी भी देख के डालना जाएगा, चावल गर्म ना जाए वो हिसाब से पानी डालेंगे है ना। सौंफ धनिया का पानी है जो अभी डाल रहे हैं कप से, थोड़ा ही डालेंगे, देख के डालेंगे चावल में, क्योंकि सालन में भी बहुत पानी था ना। ओके ज़्यादा डालेंगे तो फिर वो बिगड़ेगा, चावल नरम हो जाएंगे। हमको चावल खिले खिले बनाना है तो पानी देख के ही डालना है। अभी हम इसको ढक के 10 मिनट बनाएंगे, फिर देखेंगे उसको पानी कम ज़्यादा है तो उसमें फिर और ऐड करेंगे। 5 मिनट का चेक करेंगे, पानी एकदम सूख गया है, इसमें और लगेगा पानी। है ना कच्चा है, कच्चा है अभी। अभी तो देखो चावल कच्चा ही है और लगेगा, इसके लिए पानी डालें और ठंडा पानी बिल्कुल ना डालें तो आपके चावल ऐड जाएंगे। स्लो करके फिर चेक कर लीजिए है ना, थोड़ी देर स्लो कर। थोड़ा इस पर काटना शुरू करेंगे, पुदीना डालेंगे, थोड़ी प्याज डालेंगे। ये हमारा अपनी पुलाव रेडी है, अभी हम प्लेट में सर्व करके बताते हैं।